सेक्रेटरी आईजी सिंध डीजी रेंजर्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। मेरे बेटे को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया है। शजील अहमद के वालिद की जानिब से अदालत में ये मौकफ इख्तियार किया गया। अहले खाना ने कहा कि हिरासत से मुतालिक कोई भी मालूमात फराहम नहीं की जा रही हैं। लापता अफराद अगर किसी मुकदमे में मुलव्वस हैं तो अदालत में पेश करने की हिदायत दी जाए। मुख्तलिफ दरख्वास्तों में यह मौकफ अपनाया गया है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत हुई है। होम सेक्रेटरी आईजी सिंध डीजी रेंजर्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। शर्जील के वालिद ने मौकफ अपनाया है अदालत में कि मेरे बेटे को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। हिरासत से मुतालिक कोई भी मालूमात फराहम नहीं की जा रही है। अहले खाना की जानिब से यह कहा गया कि लापता अफराद अगर किसी मुकदमे में मुलव्वस हैं तो अदालत में पेश करने की हिदायत की जाए।